शुभ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक आपके सामने आई कैप का पास पेपर है, और ये जो सवाल है ये आपका स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 है आई कैप के पास पेपर्स का। IAS 16 इसमें टेस्ट हो रहा है, विच इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसका रीवैल्यूएशन मॉडल जो है ना वो डिस्कस किया जा रहा है। रीवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 में दो अलग अलग मॉडल्स अलाउड हैं, एक कहलाता है रीवैल्यूएशन मॉडल और एक कहलाता है कॉस्ट मॉडल। तो सवाल में रीवैल्यूएशन मॉडल की टेस्टिंग हो रही है। इस सवाल को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा, काफ़ी चीज़ें मैं सवाल के साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, ताकि आपकी इस मॉडल पर ग्रिप अच्छी बैठे। तो सवाल को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते जाते हैं जो हमने पढ़े हैं, या नहीं पढ़े हैं तो अभी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय SKL ऑन 1st of July 2012 फॉर ₹316 मिलियन। एक कंपनी है, उसने 1 जुलाई 2012 वाले दिन 360 मिलियन रुपीज़ की मशीन परचेज करी थी। अच्छा, सवाल में सिर्फ और सिर्फ हमें रिवेल्यूशन से रेलिवेंट डबलिटी बनानी है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए सारी डबलिटीज बना लेंगे। बुलेट नंबर वन में लिखता है द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 ईयर्स। बुलेट नंबर टू, SKL यूजेस रिवेल्यूएशन मॉडल। जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्ट मॉडल एक चीज़ है और रिवेल्यूएशन मॉडल दूसरा चीज़ है, दूसरी चीज़ है। तो हम इस सवाल में रिवेल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। रिवेल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं और हम उसको उसकी फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं, और जितना भी उस वैल्यू में इंक्रीज होता है उससे एक रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है। और कुछ मजीद बातें हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। SKL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सबसेक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। इट अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब सर, ये क्या चीज़ है? रीवैल्यूएशन मॉडल जो है ना, उसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक कहलाता है आपका ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड और एक कहलाता है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ग्रॉस और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। कॉमन मेथड नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही है, लेकिन अगर कोई इस सवाल को देखने के बाद इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहे तो वो बिल्कुल ग्रॉस और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में जो डिफरेंस है उसका लेक्चर मेरा देख सकता है। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशंस एज कैरियड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोज। एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रिवैल्यूएशन कर रहा है 31 दिसंबर 2013 को, 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2017 को, और उसकी अमाउंट दी गई है। देर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है वो 10 साल ही रहेगी। SKL ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। अब IAS हमें अलाउ करता है कि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में वक्त के साथ साथ ट्रांसफर करते जाएं। वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, कौन सी अमाउंट होती है और कितनी होती है, ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा। SKL फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st of December। ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवेल्यूशन सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ दी अबव रिवेल्यूशन डेट्स। एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड 11 मार्क्स। आपने सिर्फ रिवेल्यूशन से रेलिवेंट सवाल में एंट्रीज बनानी थी, लेकिन मैं सारी एंट्रीज बना दूंगा ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम एंट्रीज के साथ साथ कुछ वर्किंग्स भी हम कर लें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हम कुछ वर्किंग्स कर लेते हैं जिससे रेलेवेंट हमें एंट्रीज पास करनी होगी। तो हम टाइमलाइन बनाते बनाते जो है ना पूरे के पूरे सवाल की कुछ वर्किंग्स करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम क्या हुआ होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि आपने इस एसेट को खरीदा होगा। जब आपने इस एसेट को खरीदा होगा तो उसकी हम डेट लिख लेते हैं, वो डेट होगी 1 जुलाई 2012, और आपने ये एसेट खरीदा कितने का? 360 मिलियन का।
अब आप अगर बुलेट नंबर 5 देखते हैं तो कंपनी का जो साल खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वो 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर 2012 वाले दिन पहली बार कंपनी का ईयर एंड हुआ होगा, साल खत्म हुआ होगा, कंपनी ने इसकी डेप्रिसिएशन लगाई होगी। ठीक है, ये तो कॉस्ट है। इसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे होगा, 360 मिलियन, कोई सैलवेज या स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाई 10। तो 360 मिलियन यानी कि उसकी वैल्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 10 इयर्स, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 10 से 36 आता है। लेकिन ये याद रहे कि ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। अभी हमारा पहला जो ईयर एंड आ रहा है वो 31 दिसंबर 2022 को आ रहा है, यानी कि 6 महीने बाद आ रहा है, लिहाजा हमें शुरू में तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाई 10 जो कि 36 आया, और शुरू के 6 महीने की डेप्रिसिएशन के लिए मैंने 6/12 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन जो है ना वो 18 आ जाएगी। मैं ज़रा इसको कॉमा वगैरह डाल दूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी कर दूँ। ठीक है जी, आई होप के बात समझ में आई आपको कि पहले साल की डेप्रिसिएशन जो होगी वो सिर्फ 6 महीने की होगी। तो 360 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6/12, और ये 342 जो आंसर आया ये हमारी नेट बुक वैल्यू आ गई है। किस दिन? 31 दिसंबर 2012 वाले दिन, 31 दिसंबर 2012 वाले दिन की नेट बुक वैल्यू। अब मजीद 1 साल इसको यूज किया, क्योंकि पहली रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2013 को हो रही है, तो 12 आप कह लो कि 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 एक और साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगना चाहिए। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यानी कि जो आपकी डेप्रिसिएशन होगी वो पूरे साल की होगी इस बार, तो 360 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 36 होगी, और फिर इसकी वैल्यू रह जाएगी 306। अच्छा, ये जो 306 की वैल्यू है ना, ये किस दिन की वैल्यू है? ये 306 की वैल्यू है 31 दिसंबर 2013 वाले दिन की वैल्यू, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट की। अब ये नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन आपने इस एसेट को करना है रीवैल्यू, और आपने देखा तो आपको नजर आ रहा है कि 31 दिसंबर 2013 की फेयर वैल्यू है 323। तो अगर फेयर वैल्यू 323 है, तो मैं 31 दिसंबर 2013 को इसको इसकी फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, इसको रीवैल्यू करूंगा, और इसको रीवैल्यू कर इसकी फेयर वैल्यू यानी कि 323 पे लेकर आऊंगा, यानी कि इसकी वैल्यू में कितना इजाफा होगा, इन दोनों का डिफरेंस 306 इसकी नेट बुक वैल्यू थी, इसकी फेयर वैल्यू 323 है, तो मैं 306 को 323 पर लेकर जाऊंगा। 306 को 323 पे लेकर जाने का मतलब यह है कि मैं एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे लेकर जा रहा हूँ, उसकी रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, और मैं 17 का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करूंगा। 17 का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होगा, ठीक है जी, 17 का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू में इजाफा आ जाएगा। अब एक और साल गुजरा तो वापस से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरा गौर से सुनिएगा कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, इस एसेट को आपके पास इसकी टोटल लाइफ 10 साल थी, आधा साल यहाँ गुजर गया, 1 साल यहाँ गुजर गया है, अब बच गए 8.5 साल। अब जो नई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, वो इस फेयर वैल्यू पर या ये नई वाली अमाउंट पर चार्ज होती है, राधर देंगे वो 360 पर ही चार्ज हो रही हो, ये नई वाली वैल्यू पर चार्ज होगी। और अगर नई वाली वैल्यू पर चार्ज होगी, तो इस बार का जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो चार्ज करने के लिए आप 323 को डिवाइड कर दोगे 8.5 से, और ये 38 आ रहा होगा। तो इसका मतलब इस बार के इस इसके बाद वाले जो हमारी वैल्यू हो गई वो 285 हो गई। ये वैल्यू किस दिन की है? ये वैल्यू 31 दिसंबर 2014 वाले दिन की हमारी वैल्यू आ गई 285। ठीक है, ये इसकी एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई। हमने देखें डेप्रिसिएशन इस बार कैसे चार्ज करी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया, तो 1 साल की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई जो कि 38 है, और हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो 285 बच गई। अब क्या होगा, अब वापस से हम इस एसेट को 285 पर जब हम ले आए, तो हम देखते हैं कि क्या 31 दिसंबर 2014 को कोई रिवैल्यूएशन है? नहीं, ये एसेट मजीद 1 साल चलेगा, मजीद 1 साल की इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगेन डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी, ये जो नई वाली फेयर वैल्यू है इसको 8.5 से डिवाइड कर चार्ज होगी, जो कि 38 आ रही है दोबारा से।
सर क्या कोई और तरीका भी है? हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप 285 को 285 को 7.5 से डिवाइड कर दो, जो कि अगेन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो आप दोनों तरीके कर सकते हो, लेकिन मैं 323 को 8.5 से ही डिवाइड कर देता हूँ, एक ही बात है वैसे। और इससे हमारे पास नया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, जो कि इस पर्टिकुलर ईयर का डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एसेट जो है 31 दिसंबर 2015 वाले दिन इस एसेट की दोबारा से कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। और वो कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, या आप इसको कैलकुलेट करोगे, 285 माइनस 38, 247। ठीक है जी, 247 से इसकी अगेन आपकी एक और वैल्यू आ गई। 247 के बाद क्या होगा? 247 के बाद आप देखें तो आपको इसकी रीवैल्यूएशन करनी है। आपने जो है वो इसको इसकी फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है। अच्छा, पहले साल में जो है ना रिवैल्यूएशन का सरप्लस आ रहा था, क्योंकि एसेट की जो वैल्यू है ना उसमें इजाफा हो रहा था। एसेट की वैल्यू में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन दूसरे साल क्या हो रहा है? दूसरे साल अब जनाब कुछ ऐसा हो रहा है कि एसेट की जो फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 2015 की, वो 208 है। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, 31 दिसंबर 2015 की जो वैल्यू है वो 208 है। इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या करना है? इसका मतलब अब मुझे जो है वो इस एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है ना, 247 से 208 पर लेकर आना है। अब ये जो रिडक्शन है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है। ये जो रिडक्शन है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है कि आपने जो है ना वो जितना रिड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा आप रिवैल्यूएशन सरप्लस पे आपने माइनस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर फिर कैसा है? देखो जी, हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि जितना अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट पे रहा हुआ होगा, उतने से रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसके अकाउंट को कम करा जाएगा। लेकिन मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक की पहले डबल एंट्रीज आपके साथ पास कर लेता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी समझ क्रिएट हो जाए। सबसे पहली जो एंट्री पास हुई होगी ना, वो पास हुई होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 360 से, जब मैंने एसेट खरीदा। ठीक है, ये एंट्री कब पास हुई होगी? ये एंट्री पास हुई होगी 1 जुलाई वाले दिन। ठीक है जी, ये एंट्री आपने पास करी होगी 1 जुलाई वाले दिन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, जब आपने एसेट परचेज करा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने उसको 6 महीने यूज करा, 6 महीने यूज करा, तो क्या हुआ कि उसका 1 साल खत्म हो गया, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड आ गया। तो उसकी एंट्री पास हुई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 18 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 18। ये है साल 2012 की एंट्रीज, ये है साल 2012 की डबल एंट्रीज, ये है साल 2012 की डबल एंट्रीज, जब एसेट परचेज करा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, पहले साल की डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप इस नेटबुक वैल्यू पर आ गए। इसकी डबल एंट्री मैंने यहाँ पर पास कर दी। फिर एक और साल तो एक और डेप्रिसिएशन। एक और डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगी? एक और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इस बार अमाउंट था आपका 36 का, 36 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये भी हो गया सर। अब क्या होगा? अब जरा गौर से सुनिएगा, हमें रिवैल्यूएशन मॉडल में यूज करना है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। सर, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में क्या करते हैं? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, उस सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपीई के अकाउंट के साथ नॉक ऑफ करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जीरो पर ले आते हैं। यानी कि आपकी पहले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 थी और दूसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 थी, इसका टोटल बन जाता है 54। तो आप जिस दिन रीवैल्यूएशन करोगे, उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे 54 से, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट करोगे 54 से। ऐसा करने से आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस नल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 360 माइनस 54 यानी कि 306 पर आ गया होगा, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू पर आ गया होगा। पीपी के अकाउंट का बैलेंस नेट बुक वैल्यू पर आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। जिस दिन रिवैल्यूएशन करोगे अंडर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, उस दिन आप जितनी भी पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से नॉक ऑफ करोगे। तो इस तरह करने से वो नेट बुक वैल्यू पर आ गया पीपीई का अकाउंट। अब 17 की रिवैल्यूएशन हो रही है, इसकी डबल एंट्री पास हो जाएगी, पीपीई का अकाउंट डेबिट 17
और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 17, ठीक है जी। पीपीई का अकाउंट डेबिट 17 और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 17 से, ताकि आपका एसेट अब आ गया 323 पर, सही है। तो ये एंट्रीज हो गई आपकी साल 2013 की एंट्रीज। अब आ गया साल 2014। साल 2014 जो है उसकी डेप्रिसिएशन 38 है। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? उसकी डेप्रिसिएशन 38 है। तो पहली डबल एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 38, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 38, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे आपका जो एसेट है वो 247 पर आ गया। अब एक और चीज सुनिएगा, यहां पर एक चीज लिखी हुई है बुलेट नंबर 4 में, SKL ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ये IAS की एक अलाउेबल ट्रीटमेंट है। IAS ये कहता है कि जो आपने एसेट की रिवैल्यूएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया है, उसमें से हर साल के आखिर में कुछ अमाउंट आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे। यानी कि आप एक डबल एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट क्रेडिट। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये IAS की एक अलाउेबल ट्रीटमेंट है। आप इस ट्रीटमेंट के हिसाब से, अच्छा क्या कोई और अलाउेबल ट्रीटमेंट भी है? हाँ, दूसरी अलाउेबल ट्रीटमेंट किसी और सवाल में जब आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम एसेट जब बेचते हैं तब हम एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं करते। जनरली ये वाली ट्रीटमेंट इस्तेमाल करी जाती है, सवाल में कुछ ना लिखा हुआ हो तो भी ये वाली ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। और ये ट्रीटमेंट ये है कि SKL ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। हर साल के आखिर में रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से कुछ पैसा, कुछ अमाउंट डिडक्ट कर डेबिट कर रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करा जाएगा। सर वो अमाउंट कितना होगा? वो अमाउंट होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इजाफी डेप्रिसिएशन। सर इजाफी डेप्रिसिएशन मतलब, देखो अगर मैं इस एसेट को रीवैल्यू नहीं करता, अगर ये एसेट रीवैल्यू नहीं होता, अगर ये एसेट रीवैल्यू नहीं होता, अगर इस एसेट की किसी किस्म की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हो रही होती, अगर इस एसेट की किसी किस्म की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हो रही होती, तो इस एसेट की एक साल की डेप्रिसिएशन बनती 36। कैसे? 360 मिलियन एसेट की कॉस्ट है, 10 साल उसकी जिंदगी है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन 36 हुई। लेकिन 2014 की डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी बन रही है? 38। ये दो ज्यादा क्यों बन रही है? ये दो इसलिए ज्यादा बन रही है कि क्योंकि तुमने एसेट को किया था रीवैल्यू, और एसेट को क्योंकि तुमने रीवैल्यू किया था और उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया था और उसकी लाइफ उतनी ही है, तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा ना। न्यूमिरेटर इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर उतना ही है, तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखो ना यहाँ पर आ रहा था 323 डिवाइडेड बाय 8.5। समझ रहे हो बात को? तो आपके डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ हुआ था, आपके डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा था। अब आपके अगर डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा था, तो IAS ये कहता है कि जितने से वो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा था उसको हम इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन कहेंगे। यानी कि इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन क्या होगी? नंबर वन, ओरिजिनली जो डिप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, विच इज यहाँ पर 36। नंबर टू, रिवैल्यूएशन के वजह से या रिवैल्यूएशन के बाद जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, यानी कि 38। तो मैंने कहा कि भाई मेरी जो इंक्रीमेंटल या इजाफी डिप्रिसिएशन है वो दो की है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट होगा और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होगा। अच्छा सर, क्या इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम 38 और 36 का डिफरेंस निकालें? नहीं, एक और तरीका भी है। वो तरीका ये कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितने पैसे हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में सर हमारे पास 17 है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में 17 है ना, ये जिस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हुआ है उसके बाद जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो इसकी यूजफुल लाइफ बाकी कितनी थी? 8.5। तो अब 17 को 8.5 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा, ठीक है। 17 को अगर आप 8.5 से डिवाइड करो, क्योंकि देखो इतना ही आपने 17 से अपने अपने पीपीई की वैल्यू को इंक्रीज किया है ना, तो जितने से पीपी की वैल्यू को इंक्रीज किया उसको उसकी यूजफुल लाइफ में बांट दो, तो आपको पता चल जाएगा इजाफी डिप्रिसिएशन बुक्स में क्या चार्ज हो रही है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका वो ये कि आप देख लो कि भाई 38 और 36 में कितना डिफरेंस है। अच्छा जी, तो ये एंट्री पास हो गई। अब ये एंट्री जो मैंने पास करनी, ये कह ली मैंने साल 2014 के लिए, ठीक है। साल 2014 की IAS एंट्रीज पास हो गई ना, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट 38 38, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 2।
ठीक है, ये 2012 है, ये 2013 है और ये 2014 है। 2014 वाले साल में किसी किस्म की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं है। अब हम आते हैं 2015 पर। अच्छा, जब हम 2015 पर आते हैं तो 2015 पर वापस से हो रही है रीवैल्यूएशन। अब 2015 पे दोबारा से रीवैल्यूएशन तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि 2015 की डेप्रिसिएशन कितनी है। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन को भी ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, ये 2012 की डेप्रिसिएशन है, ईयर 2012 की डेप्रिसिएशन, ये ईयर 2013 की डेप्रिसिएशन थी, ये ईयर 2014 की डेप्रिसिएशन है, अब ये ईयर 2015 की डेप्रिसिएशन है। तो 2015 में एक और एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 38, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 38 हो गई एंट्री पास। ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। अगेन बुलेट नंबर 4 के हिसाब से एसकेएल ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को किया डेबिट वही 2 से, और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2 से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके पास ये वाली भी डेप्रिसिएशन बुक होकर आपके पास 247 पर आप आ गए हो, जो कि 2015 वाली वैल्यू बन गई है। फिर मैंने इसको रीवैल्यू किया तो मुझे पता चला कि इस बार डाउनवर्ड डिक्रीज है वैल्यू में। फेयर वैल्यू जो है वो 247 से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होती ना, अगर ज़्यादा होती तो पीपीई डेबिट होता और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि जो मेरी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू आ रही है, मेरी फेयर वैल्यू उससे कम है। अच्छा, कितना कम है अगर मैं ये देखूँ तो 247 और 208 का हम डिफरेंस ले लेते हैं। 247 और 208 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं ना, तो आ रहा है 39। 39 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 39 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा सर, अब ये 39 का डिफरेंस जो है ना, वो कैसे अकाउंट फॉर होगा? आईएएस ये कहता है कि अगर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में बैलेंस है तो पहले आप उस बैलेंस को खत्म करोगे। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में कितना बैलेंस है। जब रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हुआ था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में 17 का क्रेडिट बैलेंस था। फिर मैंने उससे 2 रुपये पहले साल के आखिर में निकाल लिए, 2014 के आखिर में। फिर मैंने 2 रुपये एक और बार उससे निकाल के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि अब इसमें बैलेंस है 13। तो अब आइए ये कहता है कि जनाब, जब आप यहाँ पर इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उससे आप डिक्रीज करोगे 13। ठीक है, और बाकी अमाउंट जो है ना वो आप ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना डिक्रीज होगा? जितना उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, जितना उसमें बैलेंस मौजूद है। तो उसमें तो बैलेंस मौजूद था टोटल 13 का। कैसे 13 का भाई? 17 का रिवैल्यूएशन सरप्लस ओरिजिनली क्रिएट हुआ था, फिर 2 और 2 कर 2 बार उसको डेबिट किया था, तो अब उसमें 13 रुपये पड़े गए। तो 247 में से 13 माइनस करे रिवैल्यूएशन सरप्लस में से, और बकाया अभी भी कितने माइनस करने हैं? 247 माइनस 13 आ जाता है 234। 234 और 208 के बीच का डिफरेंस है 26 का। तो मजीद जो 26 माइनस करने हैं वो पीएनएल में चार्ज होंगे, एज ए एक्सपेंस चार्ज होंगे। और आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, जरा यहाँ पर इसकी एंट्री पास करते हैं, खतरनाक सी। यहाँ पर अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी कि सबसे पहले जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का कोई बैलेंस होता है तो वो सारा का सारा बैलेंस पहले पीपीई में ट्रांसफर हो जाता है। तो पिछली बार जो रिवैल्यूएशन करी थी उसके बाद एक ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है और एक ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। इसकी एंट्री पास हो गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, और वैल्यू क्या होगी? ये वाला 38 और ये वाला 38, और पीपीई या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट। ऐसा करने से क्या होगा, देखें पीपीई का बैलेंस पहले ओपनिंग कितना था? पीपीई का बैलेंस ओपनिंग था 360। उसके बाद आपने क्या किया, उसकी आपने उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को नेट ऑफ किया था पहले, फिर आपने उसमें जो है वो 17 ऐड किया, फिर आपने दोबारा से अभी जो है वो पीपीई को क्रेडिट किया है। तो अब आप खड़े हुए हो 247 पर, यानी कि नेट बुक वैल्यू पर आ गया है पीपीई के अकाउंट का बैलेंस। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। इस बार जो एंट्री पास होगी, इस बार प्लांट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे हम 13 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे 26 से एज ए एक्सपेंस, और पीपीई के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 39 से, क्योंकि 39 से उसकी नेट बुक वैल्यू को रिड्यूस करना है 247 से 208 पर लेकर आना है। ये डबल एंट्रीज पास होंगी।
जरा इसको अच्छे से देखिएगा, और इसमें मैंने कुछ रूल्स भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि आप जब डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन करोगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जितना बैलेंस है पहले वो डेबिट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और अभी भी इजाफी कोई बैलेंस है तो वो फिर पीएनएल में जा रहा होगा। ठीक है जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2016 वाला साल आएगा। अच्छा सर, अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? देखिए, अब इसकी जिंदगी कितनी बच गई, आधा साल यहाँ गुजर गया था, फिर 1.5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर ये हो गया था 3.5, 3.5, तो अब हमारे पास बच गए 6.5 साल। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 6.5, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2016 का। 31 दिसंबर 2016 वाले दिन क्या वैल्यू आ गई? 31 दिसंबर 2016 वाले दिन वैल्यू आ गई 176 की। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 6.5 है पिछले साल गुजरने के बाद। अच्छा, 6.5 पे अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो मैं इसको 6.5 से डिवाइड करूंगा ना, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 6.5, या नीचे वाली वैल्यू को भी 5.5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया दोबारा से 32 का। अच्छा, इसको ज़रा मैं नीचे ले जाता हूँ, ये अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बल्कि इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए एक अमाउंट्स मैंने आपको बता दी थी ना कि कितनी बच गई। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ? अब आपके पास वापस से डिप्रिसिएशन चार्ज हुई। तो इसके बाद आपकी यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 की वैल्यू क्या बनी? 144 बन गई। ठीक है जी, 144 आपकी वैल्यू बन गई। अच्छा, ये 12 की एंट्रीज थी, 13 की एंट्री, 14 की एंट्री, 15 की एंट्री, 2016 की क्या एंट्रीज होंगी? सर, 2016 में तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ। 2016 में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास होगी, तो 2016 में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं। 2016 की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 32 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 32। सर, क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होगी? नहीं भाई, हमारे पास जो है वो रिवेल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में अब ठेंगा है, जीरो है। हमारे पास जब बैलेंस था तो हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रहे थे, अब तो बैलेंस ही नहीं है, तो अब तो वो एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये 2016 हो गया, अब आ गया 2017। 2017 में क्या होगा? अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 32, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 32। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर जज्बात में मैंने यही वर्किंग कर दी, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर से हम कुछ वर्किंग करते हुए आ रहे हैं ना। अच्छा, ये 2016 की एंट्रीज हो गई, 2017 की भी ये पहली एंट्री हो गई। 2017 में अब वापस से मैं एसेट को कर रहा हूँ रीवैल्यू, और अब उसकी कैरिंग अमाउंट 144 थी, जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ कहाँ पर? 167 पर। यानी कि कितने का इजाफा है? 167 और 144, यानी कि 23 का जो है वो इजाफा आ रहा है। जब मैं अपने एसेट को रीवैल्यू करने लगता हूँ तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है उसको मैं पीपीई में नेट ऑफ करता हूँ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया 64 से, पीपीई को क्रेडिट कर दिया 64 से। इस तरह करने से मेरा पीपीई 144 पर आ जाएगा। आप यकीन करो, भरोसा करो, वरना ऊपर से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सारी चीज़ें करते जाओ, आपको पता चल जाएगा आप 144 के पीपीई के अकाउंट के बैलेंस पर हो। अब उस 144 के बैलेंस को इंक्रीज कर फेयर वैल्यू पर, यानी कि 167 पे लेकर जाना है। यानी कि हमें 167 माइनस 144, यानी कि 23 का इंक्रीज बुक करना है। मुझे अपने एसेट की वैल्यू जो है उसमें इजाफा क्रिएट करना है, इजाफा बुक करना है, और वो इजाफा 23 का बुक करना है। अब ये इजाफा कैसे बुक होगा इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इजाफा कुछ इस तरह से बुक होगा कि जनाब हम अगेन ये देखेंगे कि अगर इस एसेट की रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये एसेट किस वैल्यू पर खड़ा होता। ठीक है, अच्छा, ये कैसे देखेंगे सर? देखें, आप इस तरह से कर लो। अच्छा जनाब, देखें, अब आपको एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर आपको वापस से रिवैल्यूएशन अपवर्ड करनी है, ठीक है ना? अब आप पहले तो एक वर्किंग करते हैं हम। देखिए, हमने 1 जुलाई 2012 को एसेट खरीदा 360 का, ठीक है? अच्छा, हम ये वाली रिवैल्यूएशन कब करें? 31 दिसंबर 2017। अगर
सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैंने ये एसेट बीच में कहीं पर भी अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यू नहीं किया होता, अगर मैंने ये एसेट कहीं पर भी अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यू कुछ भी नहीं किया होता, तो 2012 जुलाई से 31 दिसंबर 2017 तक कितने साल होते हैं? 2012 का आधा साल, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल पूरे, 12 का आधा साल। यानी कि अगर ये एसेट 2012 से 2017 तक किसी किस्म की किसी रिवैल्यूएशन में नहीं आया होता, तो इस एसेट की आज तक की जो डेप्रिसिएशन होती वो होती डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। क्यों डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5.5? 2012 जुलाई में खरीदा था, 12 के 6 महीने, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल, तो 5.5 साल में, 5.5 साल इसकी डेप्रिसिएशन होती है। और इसकी नेट बुक वैल्यू जो होती है 31 दिसंबर 2017 वाले दिन, वो 162 होती। ये क्या है? ये वो नेट बुक वैल्यू है जो इस एसेट की 31 दिसंबर 2017 को होती, अगर किसी किस्म की कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो, और इसकी डेप्रिसिएशन जैसी तय करी थी 10 साल और 36 पर ईयर के हिसाब से चार्ज हो रही होती तो। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, 360, 2012 की डिप्रिसिएशन 18 की, फिर इसकी नेटबुक वैल्यू आती, फिर 36 की डिप्रिसिएशन होती 2013 की, फिर 36 की डिप्रिसिएशन होती 2014 की, फिर 36 की डिप्रिसिएशन होती 2015 की, फिर 36 की डिप्रिसिएशन होती 2016 की, फिर 36 की डिप्रिसिएशन होती 2017 की, तो आप कहाँ आते हैं 162। ये वैल्यू वो वैल्यू है जो इस एसेट की कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू होती अगर किसी किस्म का बीच में रिवैल्यूएशन नहीं आया होता। यहाँ पर इस एसेट की वैल्यू आ रही है 144, इसकी फेयर वैल्यू आ रही है 167। अब आईएएस के हिसाब से हमें डबल एंट्री क्या पास करनी होगी? सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 23, तो पीपीई या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो डेबिट हो जाएगा 23 से। ठीक है, पीपीई या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो डेबिट हो जाएगा 23 से। आईएएस ये कहता है कि तुम क्या करना, तुम इस एसेट को उस वैल्यू तक जो इसकी वैल्यू होती अगर ओरिजिनली जिस कंडीशन में यह एसेट था या जिस तरह से ओरिजिनल जो चीजें थी वो चलती रहती, तुम इस एसेट को उस अमाउंट तक अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो करोगे, 162 तक जो रिवैल्यूएशन करोगे जो इसकी अमाउंट होती अगर क्या होता, अगर किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन वगैरह बीच में नहीं हुई होती, ये जो डिफरेंस आ रहा है जो कि 18 का है, इसका इंक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओ। यानी कि पीपी तो 23 से डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 18, और जो इजाफी अभी भी फर्दर इसको 167 तक लेकर जाना है ना, 18 का इंक्रीज तो नहीं है तो टोटल 23 का इंक्रीज है, तो जो इजाफी अभी भी फर्दर आपका इंक्रीज आ रहा है जो कि आ रहा है 167 माइनस 162, 5 का फर्दर जो इंक्रीज आ रहा है ये आप ले जाओ रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है, आईएएस क्या कहता है? आईएएस ये कहता है कि अगर एक एसेट की अपर रिवैल्यूएशन कर रहे हो, अगर एक एसेट की अपर रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो उस हद तक उसकी वैल्यू को जिस हद तक उसकी वैल्यू होती अगर किसी किस्म की बीच में रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं हुई होती या ओरिजिनली जिस हिसाब में चीजें चल रही थी वैसे चलती रहती, उतना इंक्रीज इन वैल्यू पीएनएल में एज अ इनकम बुक करना, और बकाया का जो बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर जाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस सवाल की बहुत सारी हमने डबल एंट्रीज पास करी, हर साल की हमने इस एसेट की मूवमेंट देखी, कुछ चीज़ें हमने नोट करनी है, कुछ चीज़ें हमने सीखनी है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस की किस तरह से ट्रीटमेंट होती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे आती है, कैसे ट्रीट होती है, और अगर एसेट की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो तो क्या होता है, अपवर्ड हो फेयर वैल्यू तो क्या होता है। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को कॉपी करें और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, आपने अपने एग्जाम पर्पस के लिए शायद इतनी सारी डिटेल्स नहीं करनी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने तो सारी डबल एंट्रीज आपके लिए पास कर दी ताकि आपको जो है वो हर चीज़ की डबल एंट्री मिल जाए, लेकिन एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट थी ना, उस हिसाब से आपने सिर्फ इतना काम करना था, यानी कि बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 17 वाली एंट्री जो हमने यहाँ पर पास करी थी। ठीक है, जाहिर है फिर उसकी बुनियाद के लिए आपने पिछली कुछ डबल एंट्रीज करनी होंगी या उसकी वर्किंग करनी होंगी जो कि यहाँ पर हुई है दूसरे एक तरह के फॉर्मेट पे, लेकिन सेम चीज़ ही है। दूसरी 31 दिसंबर 2015 वाली डबल एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 13, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट 26 और बिल्डिंग क्रेडिट 39 जो कि हमने यहाँ पर करी।
ठीक है। और तीसरी डेबिलिटी ये वाली कि बिल्डिंग डेबिट और रिवेल्यूशन गेन 18 का पीएनएल में क्रेडिट और रिवेल्यूशन सरप्लस 5 का क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये कुछ रूल्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जो जरूर यहाँ पर देखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।